तो आइए आगे का एजेंडा शुरू करते हैं और अभी की सबसे बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 90 में से 55 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आज बाकी 35 सीटों पर कोर कमेटी मंथन करने वाली है। हरियाणा में दो खिलाड़ियों को टिकट दे सकती है बीजेपी, ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा पर आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। आज बाकी के 35 सीटों पर कोर कमेटी मंथन करने वाली है और खबर यह कि दो खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 90 में से 55 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं और बाकी की जो सीटें बचती हैं उसको लेकर मंथन का दौर जारी है। और जो नाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से हम बताएंगे, कौन कौन से नाम किस क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। तो 90 में से 55 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तय हो गए हैं और एक प्रमुख बात इसमें जो नजर आ रही है कि दो खिलाड़ियों को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अभी की यह बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है, उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। 90 में से 55 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, बाकी के जो बचते हैं 35 उम्मीदवार उन पर भी बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक की जानकारी मिल रही है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी नीरज पांडे के पास। नीरज, कौन कौन से प्रमुख नाम इस लिस्ट में आपको नजर आ रहे हैं? देखिए कई नाम हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर आप देखें तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अटेली से आरती राव का नाम है, गौरव गौतम जो कि पलवल से नाम है, इसके अलावा आप देखें तो मूलचंद शर्मा जो मंत्री रहे हैं उनका नाम है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इम्पोर्टेंट नाम हैं और ऐसे करीब 55 नाम हैं जो कल तय कर दिए गए हैं। अभी 35 नाम बाकी हैं जिन पर अभी फिर से एक बार सीसी के से अलग भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया है कि वो कोर कमेटी के साथ बैठकर उसको डिसाइड करें। तो शायद अब सीसी इस बैठक के बाद अब कोई दूसरी सीसी ना हो बल्कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही कोर कमेटी की बैठक हो और वहाँ पर ये डिसीजन लिया जा सकेगा कि किस सीट से किसको देना है। तो 35 सीटों को लेकर आज फिर से एक बैठक हो सकती है और उसी में ये मंथन होगा और कल आज के बाद किसी भी दिन पहली सूची जारी की जा सकती है। 90 के 90 सीटों पर ऑलरेडी कल प्रस्ताव रखा गया था, बातें रखी गई थी, बहुत सारे में कुछ में थोड़ी सी ऑब्जेक्शन थे, कुछ में अभी काम और करने के लिए बोला गया, तो इसीलिए आज एक कोर कमेटी की बैठक हुई। जहां तक आपने बात कही कि दो खिलाड़ियों की, बिल्कुल मेरी जानकारी के अनुसार हरियाणा चूँकि खेल और खिलाड़ी से बहुत गहरा नाता है हरियाणा का और भारतीय जनता पार्टी भी खिलाड़ियों के और यूथ के सेंटीमेंट को समझती है, इसलिए माना जा रहा है कि दो खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उनको भी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने दो खिलाड़ियों को टिकट दिया था, बबिता फोगाट और योगेश्वर दत्त दोनों ऐसे प्लेयर थे जो रेसलर थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। ये अलग बात है कि दोनों चुनाव हार गए थे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी संभवतः बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हारी, बबिता फोगाट और योगेश्वर दत्त दोनों के नामों पर विचार कर सकती है, फिलहाल उस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। नजर बनाकर रखिए नीरज इस खबर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।